हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। इफ यू लाइक अवर कंटेंट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ कैलकुलस पोर्शन फ्रॉम CUET 2021 क्वेश्चन पेपर। सो इससे भी पहले मैंने 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर रखी है। प्लेलिस्ट में आई बटन में प्लेलिस्ट के लिंक दे दिए, अब वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, सपोज आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे बी द पोजिशन वैक्टर ऑफ एट द पॉइंट पी एंड लेट एफ इक्वल्स टू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आई माइनस ऑफ फाइव एक्स वाई फाइव एक्स वाई जे लेट सी बी द कर्व वाई इक्वल्स टू टू एक्स स्क्वायर इन द प्लेन एक्स वाई देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर ओवर सी फ्रॉम द पॉइंट पी वन टू पी टू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अगर हम यहाँ से देखें, एफ डॉट डी आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आर हमारे पास क्या होता है, एक्स आई। अगर हम यहाँ से आर देखें, आर की वैल्यू होती है एक्स आई प्लस वाई जे। सो अगर हम यहाँ से डी आर देखें, डी आर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, डी एक्स आई आएगा प्लस में डी वाई जे आएगा, ये वैल्यू आएगी। वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें तो सब्सटीट्यूट कर देते हैं, एफ की वैल्यू है माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आई आर है प्लस ऑफ फाइव एक्स वाई जे आर है। इसको मल्टीप्लाई करना है डॉट प्रोडक्ट में डी एक्स आई प्लस डी वाई जे से। सिंप्लीफाई करते हैं, आई आई से डॉट आई का मल्टीपल आई के मल्टीपल से होगा, वाई के मल्टीपल जे का मल्टीपल जे के मल्टीपल से मल्टीप्लाई होगा, यही होगा हमारे पास यहाँ से। सो वैल्यू क्या आएगी, थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया प्लस में फाइव एक्स वाई डी वाई, ये वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम यहाँ से देखें, ओवर सी हमें फाइंड आउट करना है। कर्व हमें दिया वाई इक्वल्स टू टू एक्स स्क्वायर, वाई की जगह टू एक्स स्क्वायर रिप्लेस करेंगे तो पहले डिफरेंशिएशन कर देते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई इक्वल्स टू फोर एक्स डी एक्स आ जाएगा। वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये तो एज इट इज आ गया। यहाँ से आएगी फाइव इंटू एक्स इंटू टू एक्स स्क्वायर इंटू फोर एक्स डी एक्स आ गया। ओवर सी सिंप्लीफाई करना है। अब पी वन की वैल्यू एक्स का कोफी मल्टीपल, अगर देखें एक्स का, एक्स हमारे पास जीरो से वन तक चेंज हो रहा है तो लिमिट हमारे पास इसमें क्या बन जाएगी, जीरो से वन आ गई। सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले से, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आ गया, ये फाइव इंटू टू टेन, टेन इंटू फोर फोर्टी, फोर्टी प्लस आगे सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू आएगी टेन, टेन इंटू फोर फोर्टी, एक्स रेस टू द पावर आ जाएगा थ्री एंड वन फोर डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन से वैल्यू आएगी, इंटीग्रेशन जीरो, इंटीग्रेशन जीरो से वन के बीच में कर रहे हैं, माइनस ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री आएगा प्लस फोर्टी इंटू एक्स रेस टू द पावर फाइव बन जाएगा डिवाइडेड बाई आएगा फाइव। सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट है जीरो टू वन, पहले थ्री से थ्री कैंसिल आउट कर देते हैं, फोर्टी और फाइव रेस्पेक्टिवली कैंसिल आउट कर देते हैं, वैल्यू आएगी एट। अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, लोअर लिमिट तो वैल्यू जीरो ही देगी, अपर लिमिट से वैल्यू आएगी माइनस वन प्लस एट। सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यू आएगी सेवन, सो सेवन इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इंटीग्रेशन बिटवीन माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू एक्स कोस एक्स डी एक्स, हमें यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सीधा सा फॉर्मूला लगाएंगे, अगर हमें किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना हो, लिमिट माइनस ए से प्लस ए के मिड में हो, तो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से इक्वल्स टू जीरो आती है। अगर हमारे पास ये जो एफ ऑफ एक्स है, यहाँ से ये हमारे पास ऑड फंक्शन हो। अब ऑड फंक्शन से मतलब क्या होता है, अगर एक्स की जगह माइनस एक्स हम रिप्लेस कर दें, अगर फंक्शन माइनस ऑफ एफ एक्स बन जाए तो ऐसा फंक्शन कहलाता है हमारे पास यहाँ से हमारा ऑड फंक्शन। पहले x cos x चेकआउट करते हैं, तो x ऑफ cos x, इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें, ये हम f ऑफ x लेके चलते हैं। अब अगर x की जगह माइनस x रिप्लेस कर दे तो f ऑफ माइनस x बराबर हमारे पास क्या लिखा जाएगा, माइनस x cos माइनस x आ जाएगा। अब हम जानते हैं cos माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल होता है, तो ये वैल्यू आएगी माइनस x cos ऑफ x। अब यहाँ से ये वैल्यू आ गई माइनस ऑफ f ऑफ x, इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ, जो x cos x हमें यहाँ से दिया हुआ है ऑड फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा यहाँ से ऑड फंक्शन हो गया। अब अगर ऑड फंक्शन हमारे पास बनता है, इंटीग्रेशन माइनस ए से प्लस ए के मिड में देखेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो आ जाएगी, जीरो आते ही हमारा ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन एफ फ्रॉम आर क्यूब टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स वाई जेड स्क्वायर एट द पॉइंट 102, हमें यहाँ से इस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड ग्रेडियंट ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। सो ग्रेडियंट हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ इक्वल्स टू डेल बाई डेल एक्स, यहाँ से आएगा आई इंटू डेल बाई डेल प्लस डेल बाई डेल वाई इंटू जे प्लस डेल बाई डेल वाई इंटू में आएगा के, इसको एफ से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डेल एफ बाई डेल एक्स आई, डेल एफ बाई डेल वाई जे, डेल एफ बाई डेल जेड की आएगा। तो यहाँ से एफ हमें क्या गिवन है, एफ हमें यहाँ से दिया हुआ है एक्स वाई जेड स्क्वायर। सो ग्रेडियंट ऑफ एफ हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जाएगा, ये वैल्यू आएगी एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन। सो वाई जेड स्क्वायर इंटू में आ गया प्लस एक्स जेड स्क्वायर इंटू में जे आएगा प्लस में टू एक्स जेड 2xyz
इनटू में आ जाएगा के। हमें पॉइंट क्या दिया हुआ है, पॉइंट हमें यहाँ से दिया 102, तो यहाँ से ग्रेडियंट ऑफ एफ हमें फाइंड आउट करना है एट पॉइंट 102। ये वैल्यू आएगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू क्या आएगी हमारे पास यहाँ से वाई जेड स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से इसकी तो जीरो आई होगी, पाई की वैल्यू जीरो है तो ये पूरी टर्म जीरो में चलेगी, केवल ये टर्म रह रही है हमारे पास वन इंटू टू स्क्वायर, वन इंटू टू स्क्वायर इंटू में आ रहा है जे, सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 4j, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है, सो डेल एफ का मैग्नीट्यूड हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 4। सो यहाँ से ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड आ रहा है हमारे पास, यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट इक्वल्स टू 4, सो ऑप्शन फर्स्ट इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ इज कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, देन हमें फाइंड आउट करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो कंजर्वेटिव फील्ड हमारे पास यहाँ से आया, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, सो कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड से हमारे पास मतलब होता है यहाँ से, तो यहाँ से कंजर्वेटिव वेक्टर से मतलब होगा एफ इज कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड इम्प्लाइज, यहाँ से हम एफ को, एफ हमें दिया हुआ है किसी भी स्केलर, एफ अगर किसी स्केलर से हम लेके देखें तो किसी भी स्केलर के ग्रेडियंट के रूप में हमें यहाँ से ये दिया हुआ है एफ इक्वल्स कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, यानी एफ हमें यहाँ से जो फील्ड है हमें यहाँ से किसी भी स्केलर के ग्रेडियंट के फॉर्म में दिया, एफ इज गिवन एज स्केलर ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर, इस फॉर्म में हमें यहाँ से दिया। तो अगर हम यहाँ से देखें हमारे पास यहाँ से इसका कर्ल अगर निकालें तो कर्ल ऑफ एफ डेल क्रॉस एफ आएगा, डेल क्रॉस एफ की वैल्यू आएगी डेल क्रॉस डेल एफ आएगा हमारे पास, ये वैल्यू आएगी यहाँ से, तो ये हमारे पास लिखा जा रहा है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ। और हम जानते हैं अगर किसी भी स्केलर के लिए कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ फाइंड आउट करें इसकी वैल्यू जीरो आएगी, तो इम्प्लाइज यहाँ से डेल क्रॉस एफ की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, इक्वल्स टू जीरो आ रही है। अगर डेल क्रॉस एफ इक्वल्स टू जीरो आता है इम्प्लाइज एफ हमारे पास यहाँ से इररोटेशनल होगा। सो अगर हम यहाँ से देखें एफ इज इररोटेशनल देन ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, और यहाँ से कर्ल ऑफ एफ जीरो आ रहा है तो बाकी अगर ऑप्शन आप चेकआउट करेंगे तो डिस्कार्ड हो जाएंगे, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से अगर कंजर्वेटिव दिया तो सिर्फ हमें यहाँ से ये पता होना चाहिए तो कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड का मतलब क्या होता है, बाकी हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू 1 0 टू 1 0 टू 1 x² + y² + z² dz dy dx, इसकी वैल्यू हमें यहां से फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले अगर हम यहां से देखें लिमिट हमें z के फॉर्म में दी है, सो यहां से अगर हम वैल्यू देखेंगे 0 टू 1 0 टू 1, अब यहां से जो हमें फंक्शन दिया हुआ है इसका हम z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे वैल्यू क्या आएगी x² + और बाकी dy dx की वैल्यू सेम आएगी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 0 टू 1 आ जाएगा, ये वैल्यू y के लिए है ये वैल्यू x के लिए है, सिंप्लीफाई करते हैं x = 0 टू 1 आ रहा है, यहां से x = y = 0 टू 1 लेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी x² + y² आ गया, और लोअर लिमिट हमें यहां से वैल्यू 0 ही देगी + 1/3 आ जाएगा। इसका अब हमने इंटीग्रेशन करना होगा y के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, अगर y के रेस्पेक्ट में हम यहाँ से इंटीग्रेशन करते हैं तो वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, इसको हम सिंप्लीफाई करके यहाँ से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू 1 आएगा, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं x एज अ कांस्टेंट रेट होगा तो x² + 1/3 एज इट इज आ गया, यहाँ आ जाएगा हमारे पास y, y² का इंटीग्रेशन आएगा y³ / 3, लिमिट लगा देंगे 0 टू 1 dx आ गया, इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, वैल्यू अपर लिमिट से ही मिलेगी लोअर लिमिट वैल्यू जीरो देगी, सिंप्लीफाई करते हैं इंटीग्रेशन 0 टू 1 आ गया, यहाँ से वैल्यू आएगी x² + 1/3 प्लस में आ जाएगा 1/3 dx आएगा, इसको हम आगे और सिंप्लीफाई करें इंटीग्रेट कर देते हैं तो 2/3 एज अ कांस्टेंट आ गया, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, x लगा दिया प्लस x² का इंटीग्रेशन आएगा x³ / 3, लिमिट लगा देते हैं 0 टू 1, आगे सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू आएगी 2/3 प्लस में आएगा 1/3, सिंप्लीफाई करते हैं 3/3 इक्वल्स टू आ रहा है 1, सो 1 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन हियर। सो अगर ऑप्शन, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल डबल इंटीग्रेशन 0 टू 8 x टू द पावर 1/3 टू 2 dy / dx becomes, तो हमें यहां से अगर देखें y की वैल्यू क्या दी है, y की वैल्यू x रेस टू द पावर y इक्वल्स टू x रेस टू द पावर 1/3 टू y इक्वल्स टू 2 दिया और एक लिमिट दी है x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 8। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके ग्राफ प्लॉट करें, इसको हम सिंप्लीफाई करके ग्राफ प्लॉट करेंगे तो x इक्वल्स टू y क्यूब आएगा, सो अगर हम यहां से इसके लिए ग्राफ देखते हैं ये हमारा x एक्सिस होगा ये हमारा y एक्सिस होगा, तो इसके केस में हमारा ग्राफ यहां से कुछ इस तरीके से हमें फाइंड आउट होगा, इस टाइप से ग्राफ हमारे पास मिल रहा है। और अगर हम यहां से देखेंगे तो इस केस में हमारे पास यहां से साथ ही यहाँ से y इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो y इक्वल टू 2 हमारे पास यहाँ से x x के पैरेलल एक लाइन होगी कुछ इस टाइप से, ये 2 से ऊपर जा रही है और x की वैल्यू हमारे पास 0 से 8 में दी हुई है, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास मिल रही है 0 से लेकर 8 तक,
तो यहाँ से dy dx के फॉर्म में, यहाँ से हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरीके से दी हुई है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इस रीजन में हमारे पास यहाँ से वैल्यूज दी हुई है, यही तो रीजन हमें यहाँ से दिया हुआ है। अब इस रीजन में हम यहाँ से ऑर्डर चेंज करेंगे, तो जैसे ही हम यहाँ से ऑर्डर चेंज करेंगे, हम यहाँ से लाइन लेंगे, तो अगर हम यहाँ से देखें, इसमें हम लाइन अगर कुछ इस टाइप से ले लेते हैं एक्स एक्स के पैरेलल, कुछ इस टाइप से यहाँ से ले लेंगे, ये एक लाइन तो है ही एक्स एक्स के पैरेलल हमारे पास यहाँ से इस टाइप से, अगर हम यहाँ पर लाइन प्लॉट कर ले, तो ये हमारे पास यहाँ से एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, इसमें हमारे पास वाई की वैल्यू तो जा रही है यहाँ से जीरो से लेकर कौन से पॉइंट तक, यहाँ से जीरो से लेकर हमारे पास वाई की वैल्यू यहाँ तक टू तक जा रही है, तो y की लिमिट तो आ जाएगी जीरो से टू, y की वैल्यू यही तो जा रही है, y की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें, ये हम हमारी आयताकार रेक्टेंगुलर यहाँ से एरे लेंगे, प्लेट लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से इसके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जीरो से जा रही है राइट हैंड साइड तक टू तक जा रही है, और यहाँ से अगर इस प्लेट को हम देखते हैं, इसके पैर हमारे पास यहाँ पर कहाँ आ रहे हैं, इस लाइन पर आ रहे हैं, तो एक्स इक्वल टू जीरो लाइन से यहाँ से इस कर्व तक आ रही है हाइएस्ट वैल्यू, तो कर्व की इक्वेशन एक्स इक्वल टू वाई क्यूब है, तो एक्स इक्वल टू जीरो टू वाई क्यूब आ गया यहाँ से, और बाकी हमारा फंक्शन डीवाई डी एक्स डीवाई में चेंज हो गया यहाँ से हमारे पास, तो डी एक्स डीवाई वैल्यू अगर देखें जीरो से लेके वाई क्यूब तक और जीरो से लेके टू तक, यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सेकंड हमारा यहां से करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल्स टू y स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू x स्क्वायर इज, सो यहां से हमें कर्व दिए हुए हैं x इक्वल्स टू y स्क्वायर और दूसरा कर्व दिया है y इक्वल्स टू x स्क्वायर, जैसा कि हम जानते हैं ये दोनों ही हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है, अगर यहां से ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे पास y इक्वल्स टू x स्क्वायर, यहां से y की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, तो यहां से ये वाला कर्व बन रहा है, कुछ इस टाइप से कर्व बनेगा, और x इक्वल्स टू y स्क्वायर यहां से हमारे पास ये वाला कर्व बन रहा है, ये कर्व तो आ रहा है हमारे पास किसका x यहां से y स्क्वायर का, और ये जो दूसरा कर्व आ रहा है यहाँ से ये वाला कर्व, ये आ रहा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कर्व, यही आ रहा है यहाँ से, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है वो आएगा 1 1, यही पॉइंट आएगा। अब हमारे यहाँ से इनके बाउंडेड रीजन का एरिया यहाँ से फाइंड आउट करना है, इसका रीजन का एरिया अगर हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है, तो एरिया हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से एरिया बनेगा, यहाँ से इसके अंदर हमारे तक एक प्लेट ले लेंगे रेक्टेंगुलर, कुछ इस टाइप से प्लेट आएगा, यहाँ से इसके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जीरो से लेके वन तक जा रही है, और यहाँ से इसके पैर कहाँ आ रहे हैं, नीचे वाले कर्व पे आ रहे हैं, इसमें अगर हम यहाँ से देखें एक्स की लिमिट यहाँ से अगर हम लेते हैं, वाई की लिमिट हम यहाँ से लेंगे, तो वाई की लिमिट ये कर्व हमारे पास क्या बन रहा है, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से लिमिट जा रही है रूट ऑफ एक्स तक जाएगा यहाँ से हमारे पास इस कर्व तक, और यहाँ से क्या आ जाएगा, साथ ही आ जाएगा डी वाई डी एक्स, ये आ गया एक्स के वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देते हैं, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई आएगा, सिंप्लीफाई करते हैं, अपर लिमिट लगाएंगे रूट ऑफ एक्स आ गया प्लस में माइनस ऑफ, यहां से आएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया डी एक्स आ गया, अब एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू इंटीग्रेशन जीरो टू इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में रूट एक्स का इंटीग्रेशन आएगा एक्स की पावर 3/2 टू डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, लिमिट आ रही है 0 to 1, सिंप्लीफाई करते हैं, अपर लिमिट रखेंगे तो 2/3 वैल्यू आ जाएगी माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखेंगे 1/3 आ गई, लोअर लिमिट जीरो वैल्यू देगा तो वैल्यू आ जाएगी 1/3, तो 1/3 यहाँ से इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ से ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स साइन एक्स डी एक्स इज, तो यहाँ से हमने पहले जो क्वेश्चन किया उसमें ऑड फंक्शन था, ये फंक्शन हमारे पास ऑड फंक्शन नहीं है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे ही हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन आएगा हमारे पास यहाँ से 0 टू पाई आ रहा है, यहाँ से इक्वल्स एक्स साइन एक्स है, इसको हम एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं या फिर आई एक फंक्शन मान लेते हैं, इसको आई मान लेते हैं, तो यहाँ से हम प्रॉपर्टी लगाएंगे आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई रहने देंगे, एक्स की जगह यहाँ से ए प्लस बी एफ ऑफ एक्स अगर इंटीग्रेशन दिया हो जीरो टू ए, इसको हम सिंप्लीफाई करके ये भी तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स आ जाएगा, तो इसी प्रोसेस से अगर हम यहाँ से लिखें ये आ जाएगा पाई माइनस एक्स, साथ ही आ जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस एक्स आ गया, साथ ही आ जाएगा डी एक्स, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आई इक्वल्स टू आ जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू पाई, ये वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स को हम साइन ऑफ एक्स लिखते हैं, साथ ही आ जाएगा डी एक्स, ये आगे इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का हम एडिशन कर देते हैं, आई प्लस आई हो जाएगा हमारे पास टू आई इक्वल्स टू आएगा इंटीग्रेशन जीरो टू पाई, यहाँ से आ जाएगा पाई साइन ऑफ एक्स डी एक्स और माइनस पाई माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स आपस में कट जाएगा प्लस माइनस, सिंप्लीफाई करते हैं जीरो टू टू आई पाई हम बाहर निकाल देते हैं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आएगा माइनस ऑफ कोस ऑफ एक्स, लिमिट लगा देते हैं जीरो टू पाई, सिंप्लीफाई करते हैं आई इक्वल्स टू पाई बाई टू आ गया हमारे पास यहाँ से, अपर लिमिट लगाएंगे माइनस कोस ऑफ पाई आएगी, कोस पाई की वैल्यू माइनस वन होती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लोअर लिमिट की वैल्यू कोस जीरो की वैल्यू आएगी वन, वन और वन आएगा हमारे पास टू, सिंप्लीफाई करते हैं आई इक्वल्स टू आएगा पाई बाई टू इंटू में आएगा टू, टू से टू कैंसिल आउट हो गई, वैल्यू आ जाएगी पाई, आई की वैल्यू आ गई पाई, हमें यहाँ से यही तो फाइंड आउट करना था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आर इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, डेल इक्वल्स टू डेल बाई डेल एक्स आई डेल बाई डेल वाई जे डेल बाई डेल जेड के आएगा हमारे पास, यहाँ से बीच में प्लस नहीं आएगा। फाई एक्स वाई जेड इज अ सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन, देन द वेक्टर फील्ड डेल फाई प्लस आर इस, हमें यहाँ से ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ से लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन है फाई हमारे पास यहाँ से, तो डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, जीरो आएगा। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर हम यहाँ से देखें सोलिनोइडल और इरोटेशनल का आ गया, तो सोलिनोइडल कब होगा, जब हमारे पास यहाँ से इसका डाइवर्जेंस जीरो, अगर किसी भी वैक्टर ए का डाइवर्जेंस हमारे पास जीरो आ जाता है तो उसके केस में वो हमारे पास सोलिनोइडल होता है। और यहाँ से अगर हमारे पास उसका कर्ल डेल क्रॉस ए इक्वल्स टू जीरो आ जाता है तो उस केस में वो हमारे पास इरोटेशनल कहा जाता है। तो अगर हम यहाँ से इस क्वेश्चन में देखें हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड देन द वेक्टर फील्ड, ये हमें यहां से दिया हुआ है। तो अगर हम इस वेक्टर फील्ड को पहले हम इसका कर्ल फाइंड आउट करें, तो कर्ल इक्वल्स टू हमारे पास यहां से क्या आएगा, डेल पाई प्लस आर का फाइंड आउट करना है। इसको सिंपलीफाई कर देते हैं तो डेल क्रॉस डेल पाई प्लस आर आएगा। इसको हम आगे और सिंपलीफाई करें तो वैल्यू आएगी डाइवर्जेंस, ये तो हमारे पास कर्ल आ रहा है, और डेल पाई को हम क्या लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ पाई। सो ये आ रहा है हमारे पास डाइवर्जेंस, कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट आएगा सॉरी। पाई हमारे पास यहां से क्या दिया हुआ है, पाई के केस में वेक्टर नहीं दिया हो तो पाई हमारे पास स्केलर है, तो ग्रेडियंट आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। तो ग्रेडियंट ऑफ आएगा यहाँ से हमारे पास पाई प्लस डेल क्रॉस एफ आ रहा है, तो कर्ल ऑफ आर आ रहा है हमारे पास यहाँ से। इसको सिंपलीफाई कर देते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पाई इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से जीरो आता है, इसका रिजल्ट हम जानते हैं, और ये आ जाएगा डेल क्रॉस आर। डेल क्रॉस आर हम यहाँ से देखेंगे तो वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ रही है, डेल क्रॉस आर हमें यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आर हमारे पास यहाँ से एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के दिया हुआ है, तो यहाँ से डेल क्रॉस आर अगर हम फाइंड आउट करें तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, आई जे के आएगा। यहाँ से यहाँ आएगा डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड आएगा। साथ ही हम यहाँ से लिखेंगे आई जे के एक्स वाई जेड आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से वाई का जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ओवरऑल सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू हमें जीरो मिलेगी। आप यहाँ से ये चेकआउट कीजिएगा, इक्वल्स टू आ जाएगा जीरो प्लस जीरो इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से कर्ल अगर हमारे पास जीरो आता है तो ये क्या होता है, इरोटेशनल, तो ये हमारे पास इरोटेशनल तो हो गया। अब हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे सोलिनोइडल है कि नहीं, तो डेल डॉट फाई डेल डॉट एफ ज्ञात करेंगे, एफ की वैल्यू हमें यहाँ से एक दी गई डेल फाई प्लस आर आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो डेल डॉट डेल फाई, तो डेल स्क्वायर फाई आ गया प्लस डेल डॉट आर आ रहा है यहाँ से हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डेल स्क्वायर फाई की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से जीरो है, तो ये टर्म तो गई जीरो में। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ रही है डेल बाई डेल एक्स इंटू आई प्लस डेल बाई डेल वाई इंटू में आ रहा है जे प्लस डेल बाई डेल जेड इंटू में आ रहा है के इंटू में आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट आएगा एक्स आई प्लस में आ रहा है वाई जे प्लस में आ रहा है हमारे पास यहाँ से जेड के, ये वैल्यू आ रही है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, जे का जे के साथ, के का के साथ ही करेंगे, कोफिशियंट्स का सिंप्लीफाई करते हैं, तो डेल एक्स बाई डेल एक्स इसकी वैल्यू हमारे पास इसी फॉर्म में आ रहा है, डेल वाई बाई डेल वाई डेल वाई बाई डेल जेड बाई डेल जेड आएगा, इक्वल टू वन प्लस वन इक्वल टू थ्री आगे वैल्यू। तो यहाँ से नॉन जीरो आ रहा है, इम्प्लाइज ये हमारे पास सोलिनोइडल तो नहीं है, बट यहाँ से ये हमारे पास इरोटेशनल जरूर है। तो अगर ऑप्शन से देखें तो हमारे पास यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, इरोटेशनल बट नॉट सोलिनोइडल, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट का क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है लेट फाई एंड एफ आर डिफरेंशियबल स्केलर एंड वेक्टर फंक्शन रेस्पेक्टिवली एंड both have continuous second derivative exist, then which of the following is true, हमें यहां से बताना है कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। यहां से हमने एक प्रॉपर्टी काम मिली थी कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ रहा था जीरो, ये हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट होता है फाई हमारे पास स्केलर हो तो। सो कर्ल ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल्स टू जीरो होता है हमारे पास यहाँ से। सो यहाँ से इस रिजल्ट से हम क्या कह सकते हैं, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई डज नॉट नेवर जीरो, तो ऑप्शन ए हमारे पास डिस्कार्ड हो गया। साथ ही हमने यहाँ से क्या कहा था, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए इज नॉन जीरो, तो यहाँ से, और साथ ही हमने इरोटेशनल किसे कहा था, जिसका कर्ल कर्ल हमारे एफ हमारे पास कोई भी फंक्शन है, तो कर्ल ऑफ एफ इक्वल टू जीरो आ जाए तो इसके केस में हम इरोटेशनल कहते हैं, और अगर हमारे पास यहाँ से इसका डाइवर्जेंस जीरो आ जाए तो इसके केस में हम यहाँ से कहते हैं इसे सोलिनोइडल। तो अगर हम यहाँ से देखें हमारे पास अगर देखें सोलिनोइडल, सोलिनोइडल किस केस में कहा गया और इरोटेशनल किस केस में कहा गया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं सी और डी दोनों ही डिस्कार्ड हो गए, बचा हुआ ऑप्शन बी, ये भी हम डायरेक्ट रिजल्ट से ट्रू कर सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज जीरो, यहाँ से ऐसा कोई जरूरी नहीं है हमारे पास इस फंक्शन के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, द क्वेश्चन इज दैट एफ आर टू आर इज कंटिन्यूअस फंक्शन इफ इंटीग्रेशन बिटवीन जीरो टू एक्स एफ टू टी डी टी इक्वल्स टू एक्स बाय पाई साइन पाई एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर देन एफ ऑफ टू इक्वल्स टू, हमें एफ ऑफ टू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ से हम डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन के लिए लेबनीज रूल लगाते हैं। लेबनीज रूल हमें कहता है अगर हमारे पास यहाँ से कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स
फंक्शन है यहाँ से, और साथ ही हमने यहाँ से एफ ऑफ एक्स डी एक्स टाइप से कोई भी फंक्शन इंटीग्रेशन में दिया हुआ है, डिफ्रेंसिएशन करना है हमने यहाँ से टी के रेस्पेक्ट में, साथ ही यहाँ से फाइव टी और जी टी के लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी हुई है। तो इसके केस में अगर डिफरेंशिएशन करते हैं, ये फंक्शन हमारे पास टी का नहीं है, अदरवाइज इसका भी डिफरेंशिएशन करते, और अब हम यहाँ से लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करेंगे एक्स की जगह, तो जी टी आ जाएगा, और साथ ही हमारे पास यहाँ से जी टी का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो जी टी का डिफरेंशिएशन हमारे पास जी डैश टी आ जाएगा, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे, फाइव ऑफ टी आ गया, और फाइव टी का डिफरेंशिएशन कर देंगे टी के रेस्पेक्ट में, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से इसमें करते हैं, फंक्शन हमें दिया इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स एफ ऑफ टू टी दिया, dt है हमारे पास, तो अपर लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट पुट करने से f ऑफ 2x आ गया, x का x के रेस्पेक्ट में ही तो हमने डिफरेंशिएशन करना है दोनों साइड, dy dx कर देते हैं, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, यहां से x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 आ गया, लोअर लिमिट कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 1, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दी है उसका भी हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दी है वो है हमारे पास x by pi sin pi x, इसका x के रेस्पेक्ट में हम यहां पर डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वैल्यू dy dx आएगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे 1 बाय x एज इट इज लिख देते हैं, x का कौन एक x का डिफरेंशिएशन आएगा 1 sin pi x आ गया, प्लस sin pi x का डिफरेंशिएशन होगा pi, pi हमने आगे लिख दिया x आ जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos ऑफ pi x आ जाएगा हमारे पास यहां से। अब अगर हम यहां से देखें x equals to 1 2x f ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये दोनों वैल्यू हमारे पास इक्वल है, f ऑफ 2 हमारे पास यहां से क्या लिखा जा सकता है, x की जगह हम 2 रिप्लेस कर देंगे तो 1 by pi, x की जगह हम यहां से अगर 1 रख दें तो f ऑफ 2 आ जाएगा यहां से हमारे पास इससे, तो 1 by pi equals to sin pi आएगा प्लस पाई इंटू कोस ऑफ पाई आ जाएगा। अब हम जानते हैं साइन पाई की वैल्यू जीरो होती है, पूरी टर्म जीरो में गई, कोस पाई की वैल्यू माइनस वन होगी, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस पाई बाई पाई विच इज इक्वल टू वन आ जाएगा, सो माइनस वन इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।